हमारे दिख रहा चक्कू लग रहा है नहीं लग रहा है, टच क्या हो गया चक्कू लग मार दोगी इधर ना यहाँ पे। मैं कल्लू के साथ थोड़ा सा सुबह सुबह तू में भी हमारी चल रही थी, पता है मैं चाकू हाथ में लिया और गलती से उनको टच हो गया, कह रहे अरे बाप रे मेरे चाकू लग गया, मतलब तो मैं कह रही थी खा ड्राम में चाकू लग गया मार दोगी वो सो। यहाँ पे मैं गुड़िया को पता है इतना बोल रही थी बेटा पराठा खा ले पराठा खा ले, वो पराठा खाने को राजी नहीं, बस कहती मम्मा मुझे सैंडविच बना दो, बट सैंडविच बनाने के लिए ना चीज़ था ना पनीर था कुछ नहीं था, तो मैंने प्याज जल्दी जल्दी काटा टमाटर काटा और खीरा काटा फिर उसको जल्दी से रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर कुछ हमारी बातें चल रही थी, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी, मुझे नहीं पता क्या क्या बातें चल रही थी। सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब मन ऐसा ही होता है अजीब सा, तो यहाँ पर बस इसको रेडी कर दिया है मैंने काट पीट कर, बस थोड़ा सा मैंने वैसे वो मलाई खाती नहीं है तो यहाँ पर मैं वाइट वाली जो सॉस होती है ना वो लगा रही हूँ, तो वो लगा देती हूँ एक तरफ और एक तरफ मैं सॉस लगा दूँगी, फिर खीरा और जो प्याज टमाटर है बीच बीच में रखा है बीच में से कट करके दे दूँगी, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका, खा के कैसा वो लगता है। खाए करेले हाँ कोरा तोड़ के खवाना चाहती मेरी। हाँ बेटा क्या देख रहे हो, अरे गीली हो गई है चाची जी का, लिपस्टिक को लाना चाह रहे हो चाची की, खवाओ ना है ना हमारे काज में कोई बिगड़ रहा है हमारे पास कल खाए तो रहेगी। तो मैंने जैसे करेले बनाए थे तो मेरे जो प्रियम के डैडी है ना उनने खाए नहीं और आगे ही रखे थे उनके, तो वो कह रहे हैं कि खिलाए तुमने हमें करेले, तो कल्लू कह रहे हैं कि वो हाथ से तोड़ के थोड़ी ना खिलाती सामने ही तो रखे थे, और पता है मैं कुछ चीज़ मन से बनाऊं और इनको बोल बोल के थक जाओ खा लो खा लो तो खाते नहीं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ तुम्हारा ध्यान रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, पता है तीन राउंड भी लग जाते हैं कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना पर मेरे को कभी आलस नहीं लगता। तो यहाँ पे प्रियम को ब्रेकफास्ट पहुँचा दिया है अंदर ही कमरे में, महारानी सहवाग को मिलती है। गुड मॉर्निंग, तो मैं उठ चुकी हूँ, आज है संडे, तो संडे को आपको पता है काम लेट ही, वैसे ही मेरे सारे काम लेट हैं और घड़ी में अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी मैंने पानी से धोके एंड चाय वाय पी ली, बच्चों को ब्रेकफास्ट, पति देव भी चले गए हैं अपने काम पे एंड आज मेरे कैसे काम होएंगे। और आपको पता है रात मैंने करेले बनाए थे तो हम बहुत ज़्यादा लेट 10:30 खाना खाया, वो मज़ा नहीं आया, आज खाएंगे भरमा करेले बनाए थे आपको पता ही है ना, भरमा करेले के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है बताऊँ, चावल अरहर की दाल और करेले और रोटी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले तो भैया कर ले साफ सफाई, नहा धो ले फिर बनाऊंगी मैं दाल चावल। लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैट ना बहुत सॉरी कालीन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, हमारे चेंगू मेंगू हमारी जो बेटियाँ एंड हम तो बहुत ज़्यादा गंद मचाए रहती हैं, तो भैया पूरा दिन हमारा साफ सफाई में निकल जाता है। और एक आंटी है हमारी कौन सी जगह है, दिल्ली में ही है भूल गई, वो कह रही थी तुम कुछ ज़्यादा ही साफ सफाई करती हो, सच बात है आंटी मैं बहुत ज़्यादा साफ सफाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान देती हूँ, इतना मैं अपने मेकअप पर नहीं देती, आपने देखा होगा मैं हफ्ते में क्या जानी एक बार या दो मेकअप कर लेती हूँ, और बच्चों अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती मैं, मेकअप जो का घर का खाना पीना बस यही हो पा, थकान हो जाती है फिर आपको पता ही है मेरे तीन फिर भी मैं मैनेज करती हूँ क्या करूँ, क्योंकि सास ननद तो मेरी है नहीं, देवरानी जेठानी तो मेरे साथ रह नहीं रही है, तो मैनेज किसको करना है मेरे को करना है, दूसरे नंबर पे बच्चे किसके हैं मेरे, होना पड़ेगा मुझे होना पड़ेगा, तो भाई सबको देखना पड़ता है सबको सोचना पड़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा गंदी हो रही है तो सबसे पहले मैं इसको लेके जाऊंगी बाल, इसको उठा लेते हैं चलूंगी यहाँ पे, ये कपड़े भी मेरे को सब उठाने हैं, पता है आजकल कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं टाइम, ये हमारी कबूतरियाँ दोनों खेल रही रात पता है सो ही नहीं पाए, और ये शीशा है ना ये मेरे को डेली साफ करना पड़ता है, छोटी गुड़िया क्या करती है ऐसे कर, तो पहले मैं कर लेती हूँ झाड़ू अभियान और फिर पोछा वोछा करके और फिर मैं मैट वगैरह धोऊंगी, क्योंकि पहले रूम साफ कर देती हूँ फिर उसके बाद मैं बाहर का करती रहूंगी। और आज प्रियम के डैडी के जूते भी धोने हैं, कल बच्चों के जूते धोए थे, बस हम लेट जो का यही काम चलता रहता है, ये काम नहीं होते खत्म। और शादी का टाइम इतना नजदीक आता जा रहा, मेरे कोई तैयारी नहीं हुई कोई शॉपिंग नहीं हुई कोई कुछ नहीं हुआ है, बस
चप्पल हील्स एंड सैंडल जो ही बोल सकते हैं बस वो ले लिए, उनसे थोड़ी ना काम चलेगा यार। मैं मेरी कालीन धो रही हूं। तू भीग ले इससे अच्छा मैट पे वो भी तू से कर ली। हरी मिर्च ले आए? हरी मिर्च ना है ना है नीचे तो कैसे बन जाएगी? कल लाऊंगी, कल बनेगी दाल हमारी, कल लाऊंगी हरी मिर्च। दाल बढ़िया लग रही है। कल लाए हो तो माँ आप दिख नहीं रही धूप के बारे? धूप धूप के बारे आप दिख नहीं रही? मैं नहीं दिख रही। तो यहाँ पे फटाफट मैं लग गई हूँ कालीन धोने में, और पता है पायदान भी हैं दो, और इधर छोटी सी भी है एक मेरे पास कालीन, तो वो भी धोनी है। और यहाँ पे छोटी गुड़िया भी मेरी हेल्प करा रही है, बड़ी गुड़िया भी मेरी हेल्प करा रही है, वो बनी है कैमरा मैन, और अभी उसकी छुट्टियाँ लगी हैं आप लोग को पता ही। बट मैं वो ना इंटरेस्ट से नहीं बनाती वीडियो, वो हिला देती है इधर उधर तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरा ये वाला धो चुका है, और छोटी गुड़िया का भी आजकल पानी में इतना मज़ा आता तो यहाँ आ गई। मैंने पानी ले लिया है थोड़ा सा, और इसमें बनाऊंगी मैं अरहर की दाल। कैसे बनाती हूँ आप लोग देखना, थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि पतली दाल ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो इसको मैं पहले धो लेती हूँ। तो यहाँ पे धो लेते हैं, और आजकल पानी इतना तो दाल मैंने धो ली, और इसी में दो प्याज सॉरी एक प्याज एक टमाटर काट के मैं इसमें डाल, स्वाद अनुसार पहले मैं नमक डाल देती हूँ। वैसे मैं ना हल्दी डालती नहीं हूँ अरहर की दाल में, हरी मिर्च नहीं है तो मैं इसलिए डाल दे रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा डालूंगा मैं धनिया। ज़्यादा मेरे को मसाले वाली दाल नहीं है पसंद, थोड़ा सा ये डाल देती हूँ, कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी डालूंगी मैं कस्तूरी मैप जाएगा थोड़ा सा ये, और इसको दाल थी नहीं तो अभी मंगवाई है, तो उसको मैं स्टोर कर लेती हूँ डिब्बे में हाथ के हाथ, क्योंकि फैलने का डर रहता है ना बच्चे के साथ। और ये दाल ज़्यादा ही ले आए, इसको स्टोर करके रख लेते हैं, कभी जैसे मन करता है तो बना सकते हैं, तो इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। मेरे खिले खिले चावल एकदम बन चुके, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, सभी को देंगे भी खाना। देखो ये मेरी दाल बन गई अरहर की, एकदम मस्त वाली। आज ना कालीन धो दिए तो जमीन पे ही खाना पड़ेगा, और इसका अलग देना पड़ता है। ये दोनों ये देखो फ्रूट आए हैं, जैसे केले और खरबूजा एंड तरबूज, और ये बच्चों को दिया था, बच्चों ने दोनों ने नहीं खाया। और यहाँ पे ये चक्कल और बीजा मैंने साथ में रख लिया, पता है बीजे का मैं शरबत बना के पीती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। फ्रिज में लगा देती हूँ मैं केले एंड ये, और पपीता वगैरह पता नहीं किधर रखा होगा पपीता। केले देखो कितने मोटे मोटे आ रहे हैं, मस्त एकदम, 80 रुपये दर्जन। टाइम में फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं रहती है, आप लोग देख सकते हो, बस थोड़ी सी ये जगह बची है, बकाया फुल। गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे कि 11:30 बजे किसी का पैसा ऐसे मिलना आसान नहीं होता, और कभी भी ऐसा फॉल्ट पड़ जाता है पूरा दिन प्रियम के डैडी को पूरी रात चैन नहीं मिलता, तो कभी कभी बड़ा दुख लगता है यार, बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि क्या ही बोले। दिन की तो चलो ठीक है, पर कोई टाइम नहीं होता, तो कोई फॉल्ट पड़ गया होगा, अभी तक नहीं आए बच्चे तो सो गए हैं, मैं अभी नहीं सोई हूँ। क्यों नहीं सोई? क्योंकि जब तक गेट बंद नहीं होता ना तो मेरे को नींद नहीं आती, मेरी वो है मतलब। तो बस मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ी सी बात कर लूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या यार क्या ही बोलूँ मैं, बच्चे सो नहीं रहे थे तो मुझे गंदा लग रहा था कि सो जाएं, शोर शराब हो रहा था, अब सो गए तो ऐसा लग रहा सो गए। चलो कोई बात नहीं, चलो
सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। लिपस्टिक दिखा दे बेटा, लिपस्टिक दिखा दे दिखा दे। इन्ने तो प्रियंका को फेल कर रखा है, तीन बार कह रही मम्मा बार बार छूट जा रही है, तीन बार लिपस्टिक लगा ली। मैंने जब इसको बोला कि बेटा मेरी तो शादी हो गई, मैं तो इसलिए लगा रही हूँ, तो कहती है तो मेरी भी शादी करा दो। भाग गई। देखने जाती बार बार कि मेरी लिपस्टिक छूटी तो नहीं है। पर ये बहुत अच्छी लगती है आपको लिपस्टिक? शादी से पहले भी इतना शौक रही था, अभी भी नहीं है। लग गई तो लग गई ना। हाँ ये जरूर है कि जैसे मैं सिर धोती हूँ उस दिन सिंदूर जरूर डालती हूँ, उसके बाद मैकअप हल्का हल्का कर लेती हूँ। बट हाँ हमारी गुड़िया जरूर किया करेगी, तीन बार पता है तीन बार कर लिपस्टिक लगे, कहती बार बार छूट रही है मम्मा। तो हमने बोला तुमने तो प्रियंका दीदी को फेल कर दिया। और डैडी भी हंस रहे थे, हम कह रहे हैं आप बताओ। मैंने बोला इसके डैडी को भी आप बताओ, तो मैं तो मेकअप से बहुत प्रॉब्लम है, दीदी को भी नहीं करने देते थे मुझे। मतलब मैं तो खुद ही ऐसी निकले आई, मुझे तो खैर ऐसे कभी बोलने का उनको मौका, पर मैंने सुना है कि दीदी जो मेरी ननद है ना उनको मेकअप नहीं करने देते थे, कति सारा पोत लिया, आज ही पोत लिया साथ, इसलिए मुझे पता है। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी, बोला आप बताओ आप बताओ आप क्या करोगे, इन्हें कैसे रोकोगे, ये ना कटिंग ना कराती हैं, बहुत गंदी हैं, इनके हल्के हल्के बाल छोटे करा दिए हमने। वैसे हमने सोचा शादी में जाएंगे तभी कराएंगे, पर ये कराती नहीं है कटिंग। कोई बात नहीं, घर से आके इसको गंजा कराना है, और इसको गंजा ही रखना जब तक ये पाँच साल की नहीं हो जाएगी। है ठीक है, नहीं कराऊँ गंजा। हाँ जी जी बोलो, कुछ बोलती अपनी बाचा में हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलो फिर पोतली, अभी रुको मैं बना रही हूँ हेयर पैक बालों के लिए। तो यहाँ पर एलोवेरा एंड केला और एटरम सेटरम पता नहीं क्या क्या डाल रखा है मैंने, तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये ब्लेंडर ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम, मतलब काम की चीज़ है बहुत ज़्यादा। जब मेरे पति ने ऑर्डर किया तो मैं कह रही थी यार क्या मंगा दिया, अब ये मेरे को सबसे ज़्यादा काम पड़ता है इससे। तो चलो ये मेरा पैक बिल्कुल बन चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बिल्कुल।